नमस्कार, मैं हूं कोमल जी और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीके न्यूज। कहा जाता है शादी के बाद पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों के लिए बन जाता है, दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। लेकिन आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इंदौर में एक लड़की की शादी 2013 में हुई थी, उसे 8 साल बाद किसी और से प्यार हो गया और उसके प्यार के लिए पति ने पत्नी को तलाक दे दिया। ये मामला सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच है। दरअसल शादी के 8 साल बाद किसी और से प्यार करने वाली 28 साल की पत्नी अपनी प्रेमी से शादी कर सके, इसलिए पति ने उसे तलाक दे दिया। फैमिली कोर्ट में न्यायाधीश के सामने पत्नी ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि वो किसी और से प्यार करती है और उसी से शादी भी करना चाहती है, जिसके बाद फैमिली कोर्ट ने पति पत्नी की आपसी सहमति होने पर तलाक की अर्जी स्वीकार कर ली। बता दें कि ये मामला इंदौर के विजयनगर का है, जहाँ से एक खबर सामने आई है। इन दोनों को एक 5 साल की बेटी भी है जो अब अपनी माँ के साथ रहेगी, लेकिन महिला के पूर्व पति कभी भी अपनी बेटी से मिल सकेंगे। ये प्यार में पागल एक पत्नी की अजीबोगरीब मामला उन लोगों के लिए उदाहरण है जो अपनी प्रेमिका की खुशी के लिए कुछ भी कुर्बान कर देने के लिए तैयार है, क्योंकि पति ने अपनी पत्नी की खुशी के लिए खुद को अलग कर दिया। पति और पत्नी की ओर से वकील ने कोर्ट में सहमति से तलाक दिए जाने को लेकर अर्जी दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि 2013 में शादी हुई थी, इसके 3 साल बाद एक बेटी भी हुई, उसके बाद पत्नी किसी और से प्रेम करने लगी। पति को इसकी जानकारी लगी तो उसने पत्नी से बात की और दोनों आपसी सहमति से अलग होने का फैसला कर लिए। हालांकि दोनों को साथ रहने के लिए ससुराल वालों ने बहुत समझाया, लेकिन पत्नी नहीं, जिसके बाद दोनों अलग हो गए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़।